तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने जो ये एक बक्सा है इसका मैंने डिवीज़न मार दिया था और उसके बाद मैंने डिवीज़न करके दो बक्से कर दिए थे, एक इधर रख दिया है और एक इधर। और अब इनको देखते हैं ज़रा इनकी क्या स्थिति है। मैंने इनमें क्वीन भी दे दी थी, तो जिस बक्से में क्वीन नहीं थी उसमें मैंने क्वीन दे दी थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं इस बक्से को आपको दिखाता हूँ इसमें क्या वर्क चला है। देखिए दोस्तों क्या शानदार मक्खियों की स्ट्रेंथ देख सकते हैं आप, क्या ज़बरदस्त है। मैं एक बार ये फ्रेम मैंने नई दी थी, देखिए इसमें भी इन्होंने शीट बनाना शुरू कर दिया है। आजकल नेक्टर बहुत ही अच्छा आ रहा है, नेक्टर काफ़ी अच्छा आ रहा है आजकल, ये देख सकते हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा। तो सील्ड कर दिया है कुछ अनीनों ने। काम तो बहुत शानदार चला है पर आजकल मौसम थोड़ा खराब हो रहा है बीच में। और ये देख सकते हैं आप एगलिंग कितनी, ब्रूडिंग कितनी शानदार है, ब्रूड पैच देखिए यहाँ पर, और ऊपर से हनी भी स्टोर कर दिया है इन्होंने, ये देखिए हनी स्टोर। और ये देखिए ब्रूडिंग कितनी शानदार है। ये बक्सा मेरा तीन तीन छः फ्रेम पर पहुंच गया है और इसमें सातवीं फ्रेम इन्होंने बुनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए इसमें भी ब्रूडिंग और नेक्टर तो आजकल आ ही रहा है काफ़ी, ये देखिए नेक्टर इस्टा और एगलिंग भी शानदार है। ये क्वीनलेस बक्से थे, इसमें क्वीनें अब बहुत ही अच्छे तरीके से चल पड़ी है। और अब मक्खियाँ भी कुछ एग्रेसिव हो रही हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए ज़्यादा दिखा रहा हूँ ऐसे, ये देखिए ब्रूडिंग कितनी शानदार है। ये बक्सा जल्द ही मेरा फिर से डिवीज़न मारने को हो जाएगा। और नेक्टर देख सकते हैं आप, ये टोटली वाइट सील्ड कर दिया है। और ये देखिए इस फ्रेम में भी कितना शानदार नेक्टर आया है और इन्होंने इसमें नेक्टर स्टोर किया हुआ है। तो दोस्तों ये कॉलोनी मेरी बहुत अच्छे से चल पड़ी है। और आजकल दोस्तों थोड़ा बैक्स बैक्स मौत का भी ध्यान रखें,
क्योंकि इस मौसम में हल्की शिकायत आ रही है बैक्स मौत की, तो आप क्या करिए, सल्फर का उपयोग ज़रूर कीजिए। तो मैं अब इसको ज़्यादा देर खुला नहीं रखूँगा और इसको मैं अब क्लोज़ कर दूँगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इस दूसरे बक्से को खोल के दिखाता हूँ इसकी क्या स्थिति है। दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार पैकिंग है इस बक्से में। देखिए अभी ही कुछ टाइम पहले डिवीज़न मारे थे और कुइने भी चल पड़ी है, और इसमें देखिए कितनी फ्रेम तक मक्खियाँ पहुँच चुकी है, बस ये फ्रेम खाली है लास्ट वाली। चलिए इसको भी मैं चेक कर ही लेता हूँ इसमें क्या स्थिति है कि मक्खियों की, मक्खियों का कैसा वर्क चला है इस कॉलोनी में भी, और मक्खियाँ इसमें काफ़ी अग्रेसिव हो रही है। मक्खियाँ ऐसी अग्रेसिव हो तो आप क्या करें, धुएं का उपयोग ज़रूर करें। और मक्खियों की स्ट्रेंथ काफ़ी शानदार है, बस एक ही कॉलोनी खाली है, बाकी कॉलोनियों में मक्खियाँ बहुत ही अच्छी वर्क कर रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये नेक्स्ट फ्रेम, इसमें भी नेक्टर ही स्टोर किया हुआ है, ये देखिए नेक्टर, हल्का फुल्का नेक्टर स्टोर हो रहा है इसमें। अगली फ्रेम चेक करते हैं हम, और इसमें तो काफ़ी अच्छा नेक्टर कर दिया है स्टोर ऊपर ऊपर से। बाकी एगलिंग, हाँ इसकी क्वीन भी मेट हो चुकी है, एगलिंग बहुत ही शानदार है, ये देख सकते हैं आप। फ्रेम भी देख सकते हैं आप, ब्रूडिंग क्या शानदार चली है ब्रूडिंग इसमें, रानी बहुत ही अच्छी एगलिंग दे रही है, और ब्रूडिंग देख सकते हैं आप, और नेक्टर और पोलन भी बहुत ही अच्छा स्टोर है इस पोर्शन में, पोलन और ये नेक्टर और ये ब्रूडिंग। ये दोनों कॉलोनियाँ मेरी डिवीज़न को हो जाएगी कुछ दिन के बाद। ये मैंने काफ़ी टाइम से कॉलोनियाँ चेक की नहीं की थी, क्योंकि मैंने जब से इसमें डिवीज़न मारा है और क्वीन नई दे दी थी उस टाइम के बाद मैंने इसको चेक ही नहीं किया। ये देखिए कितनी शानदार ब्रूडिंग है इसमें, और जैसे ये ब्रूड निकल जाएगा तो ये कॉलोनी मेरी पैक हो जाएगी। तो मैं अभी क्या करूँगा, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं इसको बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मक्खियाँ थोड़ी गुस्सा कर रही है। ये तो बस एक छोटी सी चेकिंग के लिए दिखा रहा था मैं कि क्या स्थिति है, कैसा काम चला है। तो काम बहुत ही अच्छा चला है, और इस फ्रेम को भी मैं देख के ही रखता हूँ, क्योंकि इस फ्रेम को भी ये जल्द ही कवर कर लेगी। तो अब हम ज़्यादा, ये देखिए आप, ये मेरा 7 फ्रेम पर पहुँच चुका है, इस फ्रेम को भी ये जल्द ही कवर कर लेगी। तो देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही डिवीज़न मार के, और आप अगर क्वीन सेल के बजाय क्वीन इन को डायरेक्ट दे दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक ये बक्सा, एक मेरा ये बक्सा, इन दोनों की स्थिति मैंने आपको दिखा दी है। ये बक्सा भी मेरा 7 फ्रेम पर पहुंच चुका है, पर इसमें 10 फ्रेमें लगती है, इसमें अभी पैक होने में टाइम लगेगा।
तो चलिए इसको भी अब क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का बस यही चेकिंग पर वीडियो थी। तो बाकी मैं जब इन बक्सों का डिवीज़न मारूंगा वो वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इन दोनों कॉलोनियों का मैं डिवीज़न ले मारूंगा तो उस टाइम मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।